अगर इतनी बात ध्यान में आ जाए कि इंटेंशन प्योर है, इतना काम का अगर हो जाए तो हमें फिर दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। तो ट्रस्ट का मतलब यह है कि मैं अपनी इंटेंशन और दूसरे की इंटेंशन दोनों के प्रति रेस्ट एश्योर्ड हो जाता हूँ कि इंटेंशन हम दोनों की प्योर है। अब दूसरे के साथ जीने की शुरुआत होने लगती है। जब दूसरे के साथ जीने की शुरुआत होने जाते हैं तो इंटेंशन के साथ साथ कॉम्पिटेंस को देखना भी जरूरी है ना। अब कॉम्पिटेंस को समझने के अर्थ में हम बात करते हैं कि दूसरी फीलिंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं, रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट में भी देखने जाए तो रिस्पेक्ट में भी तीन इश्यूज हैं समझने वाले। एक मुद्दा तो ये है कि सम्मान है क्या, सम्मान को समझना जरूरी है, सम्मान हम सबकी एक नीड है ही, है ना। दूसरा मुद्दा ये है कि सम्मान सभी के लिए होगा या कुछ लोगों के लिए होगा या कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो काफी लोग ये बोलते हैं सम्मान जो है वो तो कुछ लोगों पे होगा, कुछ लोगों का करेंगे। जैसे ये बात बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, तो अगर बड़ों का सम्मान करें ये हम क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों का सम्मान हो और कुछ का ना हो। तो अगर बड़ों का सम्मान करें ये बोल रहे हैं तो छोटों का क्या करें, तो ऐसा बोलते हैं छोटों को प्यार करें। तो बड़ों को प्यार करें या ना करें, तो फिर कहते हैं बड़ों को प्यार करें। तो सभी का सम्मान हो ये ज्यादा ठीक है या बड़ों का सम्मान हो ये ज्यादा ठीक है, तो सभी का सम्मान हो, है ना। तो एक तो बात ये है रिस्पेक्ट है क्या, दूसरी बात यह है कि रिस्पेक्ट सभी की होगी या कुछ लोगों की होगी कुछ की नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि रिस्पेक्ट जो होगी वो कंडीशनल होगी या अनकंडीशनल होगी। क्या लगता है, अनकंडीशनल होगी या कंडीशनल होगी? जैसे अगर मेरी इज्जत मेरे घर में इस बात से होती है कि मैं कितना कमाता हूँ, तो ये कंडीशनल रिस्पेक्ट है या अनकंडीशनल रिस्पेक्ट है? तो ठीक से देखने जाए ये तो कंडीशनल रिस्पेक्ट है। अगर कल को मेरी इनकम नहीं रही तो मेरी तो मैं चाहूंगा मेरी रिस्पेक्ट हो या ना हो, तो मेरी रिस्पेक्ट हो, है ना। मैं कितना सुंदर हूँ इस बात से मेरी रिस्पेक्ट हो, तो ये कंडीशनल हुआ अनकंडीशनल हुआ, तो ये भी कंडीशनल हो गया, है ना। तो ये बात समझनी जरूरी है कि जो रिस्पेक्ट है वो कंडीशनल होगी या अनकंडीशनल होगी। और आज के दिन जो रिस्पेक्ट का बेसिस है वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, है ना। इन सारे मुद्दों को समझने का प्रयास करना है। तो अगर रिस्पेक्ट को समझने जाएं तो रिस्पेक्ट का मतलब है सम जमा मान, यानी सम्यक मापना, यानी ठीक ठीक आकलन करना। तो किसी भी मनुष्य का, किसी भी ह्यूमन का राइट इवैल्यूएशन का मतलब इतना ही है कि उसका ठीक ठीक आकलन हो जाए। तो रिस्पेक्ट का मतलब है राइट इवैल्यूएशन। राइट इवैल्यूएशन है कि मेरा भी राइट इवैल्यूएशन हो और दूसरे का भी राइट इवैल्यूएशन हो। जब हम रिलेशनशिप में अपना भी राइट इवैल्यूएशन कर पाते हैं तो हम अपना सम्मान करते हैं, जब हम रिलेशनशिप में दूसरे का राइट इवैल्यूएशन कर पाते हैं तो दूसरे का सम्मान करते हैं। राइट इवैल्यूएशन क्या है उसको समझना जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर ठीक से देखें, अगर हमको राइट इवैल्यूएशन समझ में ना आए तो हम क्या करते हैं, या तो हम ओवर करते हैं या हम अंडर करते हैं या हम अदरवाइज करते हैं। तो ओवर इवैल्यूएशन का मतलब कि जो जितना है उसको ज्यादा मान लेना, वो ओवर इवैल्यूएशन है। जो जितना है उससे कम मान लेना, ये अंडर इवैल्यूएशन है। वो जो है उसको वो ना मान के कुछ और मान लेना, इसका अदरवाइज इवैल्यूएशन। तो जैसे अगर रिलेशनशिप में देखें तो अगर हम अपने हमारा बेटा कोई गोल्ड मेडल ले ले किसी कॉम्पिटिशन में, म्यूजिक कॉम्पिटिशन में, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर किसी दिन जो है हमारे बॉस अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आ जाए चाय पीने के लिए, और हम अपने बॉस को बता रहे हैं कि जो है देखो हमारा बच्चा कितना होनहार है, इसने पहली बार ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और इसने गोल्ड मेडल जीता। तो अपने बेटे को जब बुलाए और बोले कि बेटा बेटा अंकल के सामने वही वाला गाना गा दो जिसके बेसिस पे आपने गोल्ड मेडल जीता, तो बेटा जब वो गाना सुना देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इतना होनहार बेटा ये दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो जब हम ये बात बोल रहे हैं ये दुनिया में कुछ भी कर सकता है, ये अपने बच्चे का राइट इवैल्यूएशन कर रहे हैं या अपने बच्चे का ओवर इवैल्यूएशन कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो हमारा बच्चा ओवर इवैल्यूएशन में चला जाता है, तो ये तो उसका ओवर इवैल्यूएशन है। किसी दिन बॉस अपने परिवार के साथ आए और आज हम बच्चे को बोलें गाना गा के सुनाओ, और आज बच्चे का मूड नहीं है वो ना सुनाए, हम जिद करें और वो फिर भी ना सुनाए, तो हम बोलते हैं नालायक कहीं का, ये कुछ नहीं कर सकता। ये जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चे का राइट इवैल्यूएशन है या अदरवाइज है? ये अंडर इवैल्यूएशन है, तो ये तो अंडर इवैल्यूएशन है। फिर तीसरे केस में कभी बुलाएं और बच्चे के साथ जिद करें कि आज तो सुनाना ही पड़ेगा बॉस के सामने गाना, तो बच्चे का आज मूड नहीं है वो नहीं सुनाता, हम उसको जबरदस्ती करें, वो भागने लगे और भागने के चक्कर में उससे वो कांच का जग जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी थी वो नीचे गिर जाए और वो टूट जाए, तो हम उसको दो कान पे लगा के बोलते हैं गधा कहीं का, ये कुछ नहीं कर सकता। अब हम उसको ह्यूमन बीइंग भी मानने को तैयार नहीं है, अब हम उसको डोंकी कह रहे हैं। तो जब डोंकी कह रहे हैं तो ये उस बच्चे का अदरवाइज इवैल्यूएशन है। तो ठीक से देखें, या तो हम रिलेशनशिप में ओवर कर रहे हैं
या हम अंडर कर रहे हैं या हम अदरवाइज कर रहे हैं। ये तीनों तरह के इवैल्यूएशन जो है ये डिसरिस्पेक्ट है। तो जब भी रिलेशनशिप में इवैल्यूएशन राइट नहीं होगा तो वो डिसरिस्पेक्ट है। तो अब हम चेक करके देख सकते हैं कि हम डे टू डे इंटरेक्शन में कितना रिलेशन जितना भी बिहेवियर करते हैं उसमें हम ओवर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अंडर कर रहे हैं, अदरवाइज कर रहे हैं, या जो है राइट इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो क्या आपके साथ ये होता है, कभी आपका ओवर इवैल्यूएशन होता है, कभी आपका अंडर इवैल्यूएशन होता है, कभी आपका अदरवाइज इवैल्यूएशन हो जाता है ना? इस बात को समझना जरूरी है कि हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, हम ओवर अंडर इवैल्यूएशन चाहते हैं या हम राइट इवैल्यूएशन चाहते हैं। तो ठीक से देखें जो है कि हमारा राइट इवैल्यूएशन हो। ओवर भी हमको एक्सेप्टेबल नहीं होता, अंडर अदरवाइज भी हमको एक्सेप्टेबल नहीं होता। जैसे हम सब टीचर्स हैं, है ना, हम अलग अलग कॉलेजेस में बहुत सारे लेक्चर्स के लिए जाते रहते हैं, है ना, प्रेजेंटेशंस के लिए जाते रहते हैं, सेमिनार के लिए। अगर किसी सेमिनार में हम जाएं जहाँ पे हमको बोलना है और हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में जब कहा जाए तो बहुत बड़ी बातें कह दी जाएं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपने इतना कुछ जिंदगी में किया है, ये सब कह के हमारा इंट्रोडक्शन किया जाए, तो क्या लगता है जैसे जैसे हमारे इंट्रोडक्शन में इतना कुछ बोला जा रहा है हम कंफर्टेबल होते रहते हैं या हम अनकंफर्टेबल होते रहते हैं? तो ठीक से देखें तो हम अनकंफर्टेबल होते रहते हैं। तो हम अनकंफर्टेबल क्यों होते रहते हैं? क्योंकि हमारा ओवर इवैल्यूएशन हो रहा है और ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि ओवर इवैल्यूएशन हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हम ये देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, ये हमारे साथ भी होता रहता है, या तो ओवर होता रहता है या वो अंडर होता रहता है ना? लेकिन हम कभी किसी सेमिनार में जाएं और हमारा इंट्रोडक्शन कराया जाए लेकिन जितने हम हैं उसकी कोर कॉम्पिटेंस को ना बताएं लेकिन छोटा मोटा इधर उधर की बातें बोलते रहें, तो क्या लगता है हमारा राइट इवैल्यूएशन होगा या हमारा अंडर होगा? तो हमारा अंडर होगा, तो वो भी नेचुरल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है वो तो राइट इवैल्यूएशन है ना? लेकिन जो डे टू डे लाइफ में चलता रहता है वो क्या चलता रहता है? या तो वो ओवर चलता रहता है या वो अंडर चलता रहता है ना, या वो अदरवाइज चलता रहता है। जैसे अगर कॉलेज में देखें बहुत सारे लड़के जो हैं वो एक दूसरे से गाली दे के बात करते रहते हैं, जो सबसे कमजोर होता है उसको गाली दे के बात करते रहते हैं। तो क्या लगता है जिसको गाली दे के बात करते हैं वो उसका राइट इवैल्यूएशन हो रहा है या उसका अंडर इवैल्यूएशन हो रहा है? तो उसका अंडर इवैल्यूएशन हो रहा है। अगर हम अपने घरों में देखें, हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार माता पिता बच्चों को छोटे बच्चों के साथ डोमिनेशन करते रहते हैं, इधर आओ, है ना, उनको गुस्से से बुलाते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। उन छोटे बच्चों का राइट इवैल्यूएशन होता है या उन छोटे बच्चों का अंडर इवैल्यूएशन कर रहे हैं? छोटे बच्चों का अंडर इवैल्यूएशन करते हैं। तो ठीक से देखें अंडर इवैल्यूएशन और अदरवाइज इवैल्यूएशन जो है वो हमको डिप्रेशन में लेकर जाता है। जब भी हमारा अंडर इवैल्यूएशन होगा या अदरवाइज इवैल्यूएशन होगा हम डिप्रेशन में जाएंगे। जब भी हमारा ओवर इवैल्यूएशन होगा हम अपनी ईगो में जाएंगे। जब भी हमारा राइट इवैल्यूएशन होगा तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाएंगे। तो जब हम अपना राइट इवैल्यूएशन करते हैं इट लीड्स टू माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम अपना ओवर इवैल्यूएशन करते हैं तो हम ईगो में जाते हैं। जब हम अपना अंडर इवैल्यूएशन करते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो अगर कोई बोल दे कि सर ये डिपार्टमेंट तो आप ही से चल रहा है, आप ना हो तो ये डिपार्टमेंट ना चले ना ये कॉलेज चले, है ना, तो अगर हम भी जो है अपना ओवर इवैल्यूएशन कर लें तो उसके बाद जो हमारा बिहेवियर होगा वो ईगो से निकल कर आएगा, तो हम अपनी ईगो में जा सकते हैं। लेकिन अगर कई कई बार हमारे बॉस हमको बुला के बोलते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, है ना, यू आर नॉट अप टू द मार्क, तो क्या होता है हम इवैल्यूएट नहीं करते लेकिन हम अंडर इवैल्यूएशन में चले जाते हैं, तो ये भी डिप्रेशन है। तो या तो ईगो में जाते हैं या वो डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे ईसीजी की रिपोर्ट आती है ना, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या तो ऊपर चले जाते हैं ईगो में चले जाते हैं या ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो विश्वास है ये राइट इवैल्यूएशन है, ये बिल्कुल सीधा है, इसमें क्या है ओवर अंडर से मुक्त है, तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब इतना है कि आई एम सेल्फ रेफरेंशियल, मैं अपने बेसिस पे उसको चेक कर पाता हूँ कि मेरा कॉम्पिटेंस कितना है, मैं अपने कॉम्पिटेंस को राइटली इवेल्युएट कर पाता हूँ, तो फिर मैं सेल्फ रेफरेंशियल होता हूँ। लेकिन जब मेरा रेफरेंस दूसरा है, इसके केस में देखें ओवर और अंडर दोनों के केस में देखें तो दूसरा रेफरेंस में होता है। राइट एवेल्यूशन के केस में देखें तो मैं खुद अपने रेफरेंस में होता हूँ, मेरा रेफरेंस मेरे अंदर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाऊँ तो मेरी अंग्रेजी अगर उस इंटरव्यू में बोलने वाले इंटरव्यूअर की अंग्रेजी से कम होती है तो मैं अंडर इवैल्यूएशन में चला जाता हूँ, लेकिन अगर मेरी अंग्रेजी मेरे स्टूडेंट्स की अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छी होती है
तो मैं ओवर इवेल्यूएशन में चला जाता हूँ। इन दोनों केस में ही जो बेसिकली इवेल्यूएशन है उसका बेसिस तो रिलेटिव है, यानी दूसरा है। तो कभी ओवर में चले जाते हैं दूसरे के कंपैरिजन में देखते हैं, तो कभी अंडर में चले जाते हैं। सेल्फ रेफरेंशियल नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस रेफरेंशियल होना चाहते हैं या रिलेटिव रेफरेंशियल होना चाहते हैं, रिलेटिव कॉन्फिडेंस चाहते हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहते हैं, इसको देखना जरूरी है। राइट इवेल्यूएशन अगर अपना कर पाते हैं तो हम डेफिनेट कंडक्ट के साथ जी पाते हैं। अगर ओवर में जीते हैं तो इनडेफिनेट कंडक्ट में पहुंचते हैं। अगर अंडर इवेल्यूएशन में जीते हैं तो फिर इन डिप्रेशन में जीते हैं, तब भी इनडेफिनेट कंडक्ट के साथ जीते हैं। तो नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है? राइट सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जिए, अपना राइट इवेल्यूएशन करें, या ईगो या डिप्रेशन में जिए। तो अगर हम अपने बारे में ठीक ठीक अपना इवेल्यूएशन नहीं कर पाते तो हम बहुत सारी अपने बारे में अजम्पशन बना के रखते हैं। ये अजम्पशन जो है ओवर के बारे में, अपना ओवर भी हो सकती है, अपना अंडर इवेल्यूएशन भी हो सकती है, कि दोनों ही इवेल्यूएशन जो है ये डिसहारमनी पैदा करती हैं अपने अंदर, और डिसहारमनी जो है फिर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड यहाँ तक लेके जा सकती है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि राइट इवेल्यूएशन जो है हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है या ओवर अंडर अदरवाइज नेचुरली एक्सेप्टेबल है, इस बात को देख सकते हैं। इन जनरली देखें हम अपना राइट इवैल्यूएशन करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे हमारे बारे में दूसरे क्या इमेज बनाते हैं हम उसको सोचते रहते हैं। तो मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे चेयरमैन मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में, मेरे कुलीग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बेसिस पे हम अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम अपना राइट इवैल्यूएशन कर पाते हैं। तो इस बात को भी देखिए, राइट इवैल्यूएशन क्या है, हम अपना राइट इवैल्यूएशन कर पाते हैं या हम अपना ओवर अंडर अदरवाइज करते हैं। तो मैं अपने बारे में अपना राइट इवेल्यूशन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, इसको भी समझने की बात है। तो लगभग लगभग आधे लोग ये कह रहे हैं कि वो अपना राइट इवेल्यूशन कर पा रहे हैं, और आधे लोग ये महसूस करते हैं कि ओवर अंडर और अदरवाइज होता है, कि वो दूसरे के इवेल्यूशन से प्रभावित हो जाते हैं। अब एक बात ये समझनी जरूरी है कि जो इवेल्यूशन होगा उसका बेसिस सेल्फ होगा या उसका बेसिस बॉडी होगा। तो अगर तो हम ये चाहते हैं कि जो सेल्फ इवेल्यूएशन है, जो राइट इवेल्यूएशन है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये सभी के लिए इंश्योर हो सके, है ना। तो हम कई बार तो अपना राइट इवेल्यूएशन कर पाते हैं, लेकिन कई बार जो हम अपना ओवर अंडर भी करते हैं ना। तो ठीक से देखें, अगर हम ये चाहते हैं कि जो मेरा रिस्पेक्ट, जो राइट इवेल्यूएशन है, उसका बेसिस अगर सेल्फ हो, है ना, तो ही सभी का हो सकता है। अगर हमको लगे कि भाई जो इवेल्यूएशन है उसका बेसिस अगर बॉडी होगा, तो क्या लगता है वो सभी का हो सकता है? नहीं हो सकता, तब वो सबका नहीं हो पाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सेल्फ ही सबके लिए राइट इवेल्यूएशन हो सके, सभी का सम्मान हो सके, तो फिर उसका बेसिस भी यूनिवर्सल होना जरूरी है। लेकिन अगर हम बॉडी के बेसिस पे करें तो बड़ों का करें रिस्पेक्ट, तो छोटों का क्या करेंगे? सुंदर का अगर रिस्पेक्ट हो तो जो सुंदर नहीं है उसका क्या होगा, है ना। जो मजबूत है, जो शरीर से ताकतवर है, अगर ताकतवर का सम्मान होगा तो जो शरीर से कमजोर है उसका रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो फिर जो है बॉडी के बेसिस पे देखने जाएं तो सभी का सम्मान नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर सम्मान सभी का होना है तो उसका बेसिस भी जो है वो भी यूनिवर्सल होना जरूरी है। तो सेल्फ के बेसिस पे अगर देखने जाएं तो सेल्फ के बेसिस पे ये बात ध्यान में आती है, अगर हम सेल्फ को समझने का प्रयास करें और सेल्फ अगर हमारे जो राइट इवैल्यूएशन का बेसिस हो जाए, रिस्पेक्ट का बेसिस हो जाए, तो वो रिस्पेक्ट जो है वो सभी के लिए इंश्योर हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका सम्मान आपकी बॉडी के बेसिस पे हो कि या आपके सेल्फ के बेसिस पे हो? तो अगर बॉडी के बेसिस पे होगा तो जब बच्चा, जो बचपन में शरीर है, जो जवानी में शरीर है, जो बुजुर्ग अवस्था में शरीर है, सभी केस में रिस्पेक्ट अगर बॉडी के बेस पे होनी है तो एक जैसी नहीं हो पाएगी। इसीलिए रिस्पेक्ट का बेसिस कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होना जरूरी है। तो फिर यूनिवर्सल बेस सेल्फ के बेसिस पे कैसे हो सकता है ना? हम लोग इसको समझने का एफर्ट करते हैं। ये बात ध्यान में आ रही है कि जो है उसका बेसिस यूनिवर्सल हो। तो अगर सेल्फ को समझना है, रिस्पेक्ट को समझना है, राइट इवैल्यूएशन को समझना है, तो फिर ये ध्यान में आना जरूरी है कि उसका बेसिस तो सेल्फ के बेसिस पे होगा। तो कैसे होगा सेल्फ के बेसिस पे? तो एक तो ये बात ध्यान में आती है कि पर्पस के बेसिस पे। तो अगर मैं अपने बारे में एक्सप्लोर करने जाऊं तो मुझे समझ में आता है आई वॉन्ट टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी,
तो मेरा पर्पस और दूसरे का पर्पस, हम दोनों का पर्पस सेम है। इसी तरह से द अदर ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, तो हम दोनों का पर्पस सेम है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो ये बात ध्यान में आती है, जिस तरह से मैं हमेशा सुखी होना चाहता हूँ, प्रोस्पेरस होना चाहता हूँ, इसी तरह से दूसरा भी हमेशा सुखी होना चाहता है, प्रोस्पेरस होना चाहता है। तो मेरा और दूसरे का, हम दोनों का पर्पस सेम है। पर्पस तो सेम है, ये एक बात है, लेकिन क्या हम दोनों का प्रोग्राम भी सेम है? तो प्रोग्राम क्या है? तो मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं 4 लेवल की हार्मनी को समझ सकूं, इंडिविजुअल के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेचर एग्जिस्टेंस के लेवल पे। तो मेरा प्रोग्राम क्या है? माई प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स। द प्रोग्राम ऑफ द अदर इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर एग्जिस्टेंस। तो हम दोनों का प्रोग्राम भी सेम है। तो हम दोनों लोग कुछ भी करके सुखी हो जाएंगे या 4 लेवल की हार्मनी को समझ के ही सुखी होंगे? तो ये बात समझ में आती है कि 4 लेवल की हार्मनी को समझ के ही सुखी हो सकते हैं। तो कोई पैसा कमाने का काम करता रहे, कोई ऐश परस्ती करता रहे, है ना, कोई मौज मस्ती करता रहे, तो कोई पेड़ लगाता रहे, तो किसी एक लेवल पे ही काम करके सुखी हो जाएंगे या 4 लेवल की हार्मनी को समझ के ही सुखी होंगे? तो अगर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को इंश्योर करना है, तो जितना भी मेरे जीने का एक्सपेंस है, सभी लेवल पे हार्मनी को समझना, सभी लेवल पे हार्मनी को जीना जरूरी है। तो हम दोनों का प्रोग्राम भी सेम। तीसरे लेवल पे देखने जाएं, पोटेंशियल भी सेम है कि नहीं है? तो मेरा पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल, ये समझ में आता है कि हम दोनों का पोटेंशियल भी सेम है। कैसे? जिस तरह से मेरी इमेजिनेशन कंटिन्यूअसली चल रही है, उसी तरह से दूसरे में भी इमेजिनेशन कंटिन्यूअस बनी रहती है। जिस तरह से मेरे अंदर डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, इसी तरह से दूसरे में भी डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। जिस तरह से मेरे अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा हमेशा बनी रहती है, प्योर रहती है, उसी तरह से नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा हमेशा बनी रहती है, प्योर रहती है। तो हम दोनों में की नेचुरल एक्सेप्टेंस, हम दोनों की इमेजिनेशन और हम दोनों का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल भी सेम है। पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ये है कि जहां पे आदमी समझता है, तो समझना बॉडी में होता है या सेल्फ में होता है? तो समझना तो सेल्फ में होता है, उसमें भी देखें तो इमेजिनेशन में समझना होता है, और समझने का जो बेसिस है वो बेसिस नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे मैं और दूसरा, हम दोनों इस रियलिटी को समझ सकते हैं, इस रियलिटी के साथ जी सकते हैं। तो ये कोई समझ सकता हूँ मेरा कॉपीराइट है और मेरा स्टूडेंट नहीं समझ सकता, ऐसा नहीं है, वो बात अलग है। हम बार बार कई बार लोगों को बोलते रहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना, तुम तो ऐसे ही हो और तुम तो जिंदगी में फेल हो जाओगे, है ना। तो क्या लगता है, हम दूसरे के पोटेंशियल को भी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? तो हम उसके पोटेंशियल को नहीं देखते। तो पोटेंशियल भी सेम है। जैसे मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि बहुत सारे टीचर जब क्लास पढ़ाते हैं, तो 40 बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, तो 5-10 के बारे में तो ये मान के चलते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, 4-5 लोगों के बारे में तो ये कंक्लूड किया रहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो दुखी करने के लिए आया हुआ है क्लास में। तो क्या लगता है, बच्चे के पोटेंशियल को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे? तो उसके पोटेंशियल पे डाउट है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके पोटेंशियल की क्लैरिटी नहीं है ना। ये बात ध्यान में। क्या लगता है, वो समझ ही नहीं सकता या अभी मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा? इस बात को डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि समझ नहीं सकता या समझ तो सकता है, लेकिन अभी उसकी प्रायोरिटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अभी उसकी प्रायोरिटी ये है कि वो खिड़की से बाहर देखे, अभी उसकी प्रायोरिटी ये है कि वो स्पोर्ट्स के बारे में सोचे, अभी उसकी प्रायोरिटी यह है कि वो जिंदगी के कुछ और मुद्दों के बारे में सोचे, अभी उसकी प्रायोरिटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो ये समझ नहीं सकता, ये समझ तो सकता है लेकिन अभी समझ नहीं रहा, अभी ये ध्यान नहीं दे रहा। पोटेंशियल है कि नहीं है? तो पोटेंशियल तो है। तो एक बार क्या हुआ, IIT में एक स्टूडेंट्स ने जो है, अपने PhD के स्टूडेंट ने अपने टीचर के साथ बात हुई, तो उसके टीचर उसको डांट रहे थे कि भाई तुम रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे और तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर चल रही है। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे स्टूडेंट ने टीचर को बोला, अपने गाइड को, कि सर आप मुझे डांटा मत करो, IIT का स्टूडेंट था। तो उसने बोला पर तुम काम भी तो नहीं करते, तो डांटना तो पड़ेगा ही। उसने बोला कि मैं काम करूँ या ना करूँ, आप मुझे डांटेंगे नहीं, है ना। तो आगे बोलता कि आपको पता है आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है? तो टीचर ने बोला क्या डिफरेंस है बताओ। तो उसने बोला कि आप में और मुझ में डिफरेंस इतना ही है कि आप 10 साल पहले पैदा हो गए मुझसे। अगर मैं आपसे 10 साल पहले पैदा हुआ होता, तो आज आप जहाँ खड़े हैं मैं वहां होता और आप मेरी जगह होते, फिर मैं आपको बताता जिस तरह से आप मुझे डांटते हो। तो बच्चा बहुत अच्छी बात कह रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं ये फील तो करता है कि मैं भी समझ सकता हूँ,
अभी मेरे प्रेशर्स कुछ और हैं, अभी मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, या अभी मेरा ध्यान नहीं गया है, लेकिन बच्चा जो है ये तो महसूस करता है कि वो भी समझ सकता है। जैसे आप अगर अपने बच्चों को देखें, जो बच्चे घर में छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखो, क्रॉल करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जैसे कि बहुत बड़े हों, बहुत सारे बिहेवियर ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे करते हैं जैसे माँ बाप करते हैं। हम कई बार अपने बच्चों को देख के हैरान हो जाते हैं कि वो ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं। बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हम भी बड़े हैं, हम भी बड़े हो सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। तो एक बार जो मैं अभी अपने टीचर की बात कर रहा था कानपुर में, तो उन्होंने कुछ 40 बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये 40 बच्चे जो थे, ये जैसे ईंट के भट्टे होते हैं ना, जहाँ पे ईंट के भट्टे ईंटें बनाई जाती हैं, उन भट्टों पे काम करने वाले लोगों के बच्चे थे। तो 6 महीने तक ऐसे 40 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया इसी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को, और 6 महीने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया गया कि कितना ये प्रोग्राम सफल रहा। तो उन्होंने बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया, तो एक कमरे में उन्होंने बच्चों के माँ बाप को बिठा दिया, और दूसरे कमरे में उन्होंने जो है वो बच्चों को बिठाया, और पहले उन्होंने माँ बाप से पूछा कि ये बताइए, आप अपने बच्चों से कम हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा हैं, या अपने बच्चों के बराबर हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा, आप अपने बच्चों के बराबर हैं, उनसे कम हैं, या उनसे ज़्यादा हैं? तो क्या लगता है क्या आंसर आया होगा? तो मेजोरिटी ने ये बोला कि हम अपने बच्चों से ज़्यादा हैं, लेकिन जब बच्चों से पूछा गया कि ये बताइए कि आप अपने माँ बाप से कम हैं, आप अपने माँ बाप से ज़्यादा हैं, या आप अपने माँ बाप के बराबर हैं, तो क्या लगता है क्या आंसर आया होगा? तो मेजोरिटी ने बोला कि हम अपने माँ बाप के बराबर हैं, या हम अपने माँ बाप के से ज़्यादा हैं। बहुत थोड़े बच्चों ने बोला कि हम अपने माँ बाप से कम हैं। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हम बॉडी के लेवल पे भले ही छोटे हैं, बट सेल्फ में अगर वो अपने पोटेंशियल को देखें, तो माँ बाप से कुछ बच्चे अपने ज़्यादा जिम्मेदारी से जीते हैं, कुछ माँ बाप जीने में इतनी गलती करते रहते हैं, उनके बच्चे उनसे ज्यादा प्रिसिशन के साथ जीते हैं। तो बच्चे ये देख पाते हैं कि मेरे माँ बाप भले ही शरीर में बड़े हों, लेकिन जीने की जगह पे तो कुछ गलतियां वो हमसे ज्यादा करते हैं। तो बच्चे अपने पोटेंशियल को देख के ये महसूस करते हैं कि हम बराबर हैं, या हम जब बड़े हो जाएं तो हम भी समझदार हो सकते हैं। तो पोटेंशियल भी एक जैसा है। तो ये किसी भी आदमी के रिस्पेक्ट का मिनिमम कंटेंट है कि दूसरा मेरे जैसा है, पर्पस के बेसिस पे, प्रोग्राम के बेसिस पे, पोटेंशियल के बेसिस पे, मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि दूसरा मेरे जैसा है, दी अदर इज जस्ट लाइक मी। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि आपका और आपके जो 7 लोग काम करते हैं, उनका पर्पस और आपका पर्पस एक है, उनका प्रोग्राम और आपका प्रोग्राम एक है, उनका पोटेंशियल और आपका पोटेंशियल भी एक है। पोटेंशियल सभी का एक है, पर्पस हम सभी का एक है, प्रोग्राम हम सभी का एक है, कर भले ही जो मर्जी रहा हो। तो ठीक से देखें तो ये बात हमको अब रिफ्लेक्ट भी करनी है अपने अंदर, हम ये देख सकें कि जो दूसरा है, हर सेल्फ का जो पर्पस है, प्रोग्राम है, और जो पोटेंशियल है वो एक जैसा है। तो पोटेंशियल है कि नहीं है, तो आई कैन सी दैट एवरी सेल्फ हैज द सेम पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड हार्मनी और टू लिव इन हार्मनी। तो क्या हम ये बात देख भी पाते हैं कि मेरा और मेरे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल एक है, मेरा और मेरे अटेंडेंट का पोटेंशियल एक है, मेरा और मेरे वाइफ का पोटेंशियल एक है, या मेरा और हमारे स्टूडेंट बच्चों का पोटेंशियल एक है, या हम इनके बारे में तो ये कंक्लूड ही करते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही आ जाते हैं क्लास में। पोटेंशियल एक है, कॉम्पिटेंस कम हो सकता है, तो पोटेंशियल में और कॉम्पिटेंस में डिफरेंस करना है। पोटेंशियल सभी का समान है, कॉम्पिटेंस कम हो सकता है, तो पोटेंशियल को अलग करके देखें। आप ये पोटेंशियल एक है या पोटेंशियल भी अलग अलग है? कॉम्पिटेंस तो कम ज्यादा है, मेरा कॉम्पिटेंस, आपका कॉम्पिटेंस, आप कॉम्पिटेंस, या किसी तीसरे का कॉम्पिटेंस, सबका अलग है, पोटेंशियल अलग है। तो पोटेंशियल को देखने जाएंगे तो पोटेंशियल तो सही का है। पोटेंशियल मतलब समझने का पोटेंशियल, सुखी होने का पोटेंशियल, सुखी करने का पोटेंशियल। तो मेजोरिटी ये देख पा रही है कि जो पोटेंशियल है वो सभी का एक है, तो सभी सेल्फ का पोटेंशियल एक है, ये बात को देख पाते हैं, है ना? लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो क्या लगता है, हम सिमिलैरिटीज पे फोकस करें और डिफरेंस को कम करने की कोशिश करें, या फिर हम डिफरेंस को देखते रहें और जो है सिमिलैरिटी को छोड़ें, डिफरेंसेस को देखें और डिफरेंसेस को बढ़ाते रहें, है ना? इस बात को समझना जरूरी है कि सिमिलैरिटीज तो हैं सेल्फ के लेवल पे,
लेकिन जीने के लेवल पे देखने जाएं तो जीने के लेवल पे जो है कुछ डिफरेंस है। तो अगर हमको सेल्फ के लेवल पे ये तीनों सिमिलैरिटी समझ में आती हैं, पर्पस समझ में आता है, पोटेंशियल समझ में आता है, प्रोग्राम समझ में आता है, तो उस बेसिस पे मैं दूसरे को अपने जैसा देख पाता हूँ, तो फिर मैं डिफरेंस शो करने का कोशिश नहीं करता, फिर मैं अपना और दूसरे को के बीच की जो सिमिलैरिटी है मैं उसको भी देख पाता हूँ। तो क्या लगता है, जीने में जब हम देखने जाएं अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, सोसाइटी में जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सब्जी वाले, दूध वाले, किसान, बहुत सारे इनको हम अपने जैसा एक्सेप्ट कर पाते हैं या कहीं ना कहीं हम डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं? जैसे अपने में और अपने कोलीग में देखें, अपने कोलीग को हम अपने जैसा ही स्वीकार पाते हैं, या अपने कोलीग में अगर कॉम्पिटेंस कम है तो उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं? तो ये भी समझना जरूरी है कि हम डिफ्रेंशिएशन में लगे रहते हैं, डिफरेंस को देखते रहते हैं, या हम दूसरों को स्वीकार के चलते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। ये एकदम ऑनेस्ट इवैल्यूएशन आपने अपने बारे में करना है कि आप जो है सिमिलैरिटीज पे फोकस करते रहते हैं या आप दूसरे की कमियों पे फोकस करते रहते हैं, डिफरेंस पे फोकस करते रहते हैं। काफी लोग ये कह पा रहे हैं कि हम सिमिलैरिटी को है ना फोकस करते हैं, तो अब इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि जो नेचुरली एक्सेप्टेबल ध्यान में आता है, तो नेचुरली एक्सेप्टेबल तो ये ध्यान में आता है कि पर्पस के बेसिस पे, प्रोग्राम के बेसिस पे, पोटेंशियल के बेसिस पे, सेल्फ के बेसिस पे हर ह्यूमन बीइंग एक जैसा है, हर ह्यूमन बीइंग का पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल वैसा ही है जैसा मेरा है। लेकिन अगर हमको ये सेल्फ की क्लैरिटी ना हो तो बेसिकली होता क्या है, हम डिफ्रेंसिएशन करते रहते हैं, और डिफ्रेंसिएशन का बेसिस होता है बॉडी, तो बॉडी के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करो, छोटों को कैसे बुलाओ, छोटों को तू करके बुलाओ, छोटों को उंगली से इशारा करके बुलाओ, इधर आ जा, है ना, मेरी बात सुन, है ना। तो बहुत सारे अगर एचओडीज को देखो, बहुत सारे लोगों को देखो, तो वो अपने बच्चों को उंगलियां दिखा दिखा के बुलाते रहते हैं। क्या लगता है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं एज के बेसिस पे ही डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। फिर जेंडर के बेसिस पे कई बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि आदमी ज्यादा श्रेष्ठ है, औरतें कम श्रेष्ठ है ना। क्या लगता है, जेंडर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन, ये जो जेंडर है, समझना जेंडर का होता है या समझना तो सेल्फ में होता है? तो समझना तो सेल्फ में होता है, लेकिन बॉडी जो है, हम बॉडी को जब सेंटर में रख के देखते हैं तो हम डिफ्रेंशिएशन करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे आदमी लोग ये बात कहते रहते हैं कि औरतें तो कार नहीं चला सकती, है ना, औरतों को अगर कार चला रही हैं तो फिर आप सड़क पे जो है बच के रहो। तो क्या लगता है, ये औरत आदमी का मुद्दा है या ये एक्सपोजर का, ट्रेनिंग का मुद्दा है? ये बात को समझना पड़ेगा, ये बात को बहुत ध्यान देना जरूरी है। जब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि औरतों से नहीं होता, तो ये क्या लगता है, ये औरत के जेंडर का मुद्दा है या ये सेल्फ के एक्सपोजर का, सेल्फ की ट्रेनिंग का मुद्दा है, सेल्फ की प्रायोरिटी का मुद्दा है ना। अगर आदमी को किचन में छोड़ दो और उसके बाद उसको, है ना, आधे घंटे बाद बाहर निकालो, तो आपको वो सेम किचन मिलती है या किचन ऐसी मिल जाती है कई बार कि जैसे 15 दिन से यहाँ पे कुछ कहा सफाई नहीं हुई? तो क्या लगता है, आदमी से नहीं होगा या कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर का, ट्रेनिंग का, सेल्फ की क्लैरिटी का मुद्दा है, लर्निंग का मुद्दा है ना। ठीक से देखें, हम क्या करते रहते हैं, हम जेंडर के बेसिस पे करते रहते हैं। तो औरत कार नहीं चला सकती, लेकिन वो रॉकेट चला सकती है, चांद पे जा सकती है, लेकिन कार नहीं चला सकती। तो ये बॉडी के बेसिस पे देखते रहते हैं, है ना, तो ये डिफ्रेंसिएशन करते रहते हैं। यही कारण है आज की जो है देश में, पूरी दुनिया में जनरेशन गैप का मूवमेंट चल रहा है ना। बच्चों के और बुजुर्गों के बीच में एक जनरेशन गैप है, माँ बाप इस बात को झेल रहे हैं। बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमको समझते नहीं है, है ना, हम छोटे हैं इसलिए हमको नहीं समझते या हमको नहीं समझना चाह रहे, बच्चे इस बात को फील करते हैं। तो ये जनरेशन गैप है, बच्चों को ये लग रहा है कि माँ बाप तो पिछड़े हुए हैं, ये तो इनको पता ही नहीं आज की दुनिया कैसे चलती है, तो वो माँ बाप के बारे में ये कंक्लूड कर रहे हैं, है ना। जेंडर के बेसिस पे ये होता है कि हमको लगता है आदमी ज्यादा श्रेष्ठ है, तो औरतों को लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, जो आदमी काम कर रहा है हम वो काम कर ही रहे हैं, और हम पहले से कुछ काम पहले से ही अच्छे से कर रहे थे। तो जेंडर के बेसिस पे भी आज के दिन एक डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ वंश वाले लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं और कुछ वंश वाले लोग कम श्रेष्ठ हैं, तो वंश के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर बॉडी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, जिसकी बॉडी की स्ट्रेंथ ज्यादा है वो अपने आप को ज्यादा आगे मानने लग जाता है, जिसका स्ट्रेंथ कम है वो अपने आप को कम मानने लग जाता है। जैसे अगर आप कॉलेज में देखें तो
तो बहुत सारे आप बच्चों को देखें जो शरीर से ताकतवर होते हैं, वो क्या करते हैं, कमजोर आदमी को ढूंढेंगे अपने क्लासमेट को, और उसको पकड़ लेंगे और उसको ऊपर उठा लेंगे, और जब वो ऊपर उठाएंगे उसको जोर जोर से हवा में घुमाते हैं, और जब उसको हवा में घुमाते हैं और तब तक घुमाते रहते हैं जब तक उसको चक्कर ना आ जाए, और जब चक्कर आ जाते हैं तो उसको जमीन पे खड़ा कर देते हैं, और वो चक्कर खा के जब गिरता है तो उस बात का मजा लेते हैं। तो बेसिकली ये जो डिफरेंशिएशन है ये क्या है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ का डिफरेंशिएशन है। जो आदमी ज्यादा ताकतवर है शरीर से, वो एक अपने अलग ओवर रिवॉल्यूशन में जीता है, और जो आदमी कम ताकतवर है उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो ये चार तरह के डिफरेंशिएशन जो है ये बॉडी के बेसिस पे है। जेंडर किसका होता है, सेल्फ का या बॉडी का? सेल्फ का कोई जेंडर होता है? एज किसकी होती है, बॉडी की या सेल्फ की? वंश किसका होता है, रेस किसका होता है, बॉडी का या सेल्फ का? फिजिकल स्ट्रेंथ किसकी है, बॉडी की या सेल्फ की? तो आज के दिन तो हम इन बेसिस पे रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ये चारों ही चारों रिस्पेक्ट के नाम पे डिफरेंशिएशन के आधार बन जाते हैं। तो इस बात को भी जो है हम और रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन जेंडर के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे अगर बच्चों को देखें तो बच्चों के केस में हम बच्चों को ज्यादा प्रपोज करते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, या हम बच्चों को डूज एंड डोंट्स ही बताते रहते हैं, परिवार में ज्यादा क्या कर रहे हैं। इस बात को जो है ना हमको अभी प्रैक्टिकली क्या देना बनता है उसको नहीं लिखना, हमने तो ये देखना है कि हम अपने बच्चों के साथ प्रस्ताव से बात करते हैं, या हम अपने बच्चों को बहुत सारा डूज एंड डोंट्स बताते रहते हैं, तुमने ये खाना है, ये नहीं खाना, यहाँ बैठना है, वहां नहीं बैठना, यहाँ जितनी भी चीजें हम अपने बच्चों को बता रहे हैं ये उनको एक्सप्लोर करने के लिए प्रपोजल दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं बच्चों को डोमिनेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को इम्पोज करते रहते हैं बच्चों के ऊपर। इस बात को समझना जरूरी है। तो क्या लगता है, बच्चों के साथ हम प्रपोजल से बात करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने घर के बच्चों के साथ हम प्रपोजल से बात करते हैं, या कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने हैं जो है हम तो इम्पोज तो कर ही जाते हैं अपनी बात को, ये मानते हुए मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा ठीक हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे माँ बाप बोलते रहते हैं ना कि तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ, तो वो क्या कह रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, वो एज के बेसिस पर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो बच्चा बोलता है बाप मेरे बाप हैं क्योंकि आप बड़े हैं, आप समझदार हैं इसलिए मेरे बाप नहीं है, बट आप बड़े हैं इसलिए मेरे बाप हैं। तो बच्चा मान लेता है और करता रहता है, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ठीक से देख सकते हैं कि जो है प्रपोज किया जा रहा है घर में, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बच्चे को कि वो भी सेल्फ एक्सप्लोर कर सके, अगर कुछ गलती होती है तो उस गलती को भी वो सीख सके, उससे समझ सके, या फिर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे सफोकेट होते रहते हैं क्योंकि हम इम्पोज कर रहे हैं, इस बात को भी हम लोग समझ सकते हैं। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बींग इक्वल टू बॉडी, जबकि रियलिटी क्या है, ह्यूमन बींग इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। इन चारों केसेस में क्या है, ह्यूमन बींग इक्वल टू बॉडी, जबकि रियलिटी क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। एक दूसरा डिफरेंशिएशन है फिजिकल फैसिलिटी का, तो वेल्थ के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है हम उनकी ज्यादा इज्जत करने लग जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है हम उनकी कम इज्जत करने लग जाते हैं, तो वेल्थ के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना? फिर पोस्ट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन करते हैं, जिनकी जो पोस्ट बड़ी है तो उनको ज्यादा सम्मान करते रहते हैं। जैसे अगर हमारी गली में मोहल्ले में देखें कोई बच्चा आईएएस बन जाए तो बहुत सारे माँ बाप को प्रेशर हो जाता है, वो भी अपने बच्चे को बोलते हैं देख एक तू न लाएगा और एक उसको देख वो आईएएस बन गया, है ना? तो क्या है उनके अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, पोस्ट को लेके, किसी के अंदर पैसे को लेके होता है। तो आप ठीक से देखें कि आपके अंदर भी तो कहीं ना कहीं पैसे को लेके या पद को लेके डिफरेंशिएशन नहीं है, है ना? जैसे क्या लगता है, आप पोजीशन का ही हर पोजीशन का सम्मान कर पाते हैं, जैसे आपके अटेंडेंट हैं, आपके स्वीपिंग वाले लोग, क्लीनिंग के लोग हैं ऑफिस में, है ना, इन सभी का सम्मान कर पाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सभी को रिस्पेक्ट की फीलिंग के साथ देख पाते हैं, या जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पोस्ट का क्राइटेरिया तो रहता ही है। देखिए हम सभी का रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, इसको नहीं भरना, हम जनरली क्या करते हैं, जैसे कई बार ये ऑब्जर्वेशन में आता है जब हम अपने इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, कई बार जब ऑफिसर अपने कॉलेज में एंटर कर रहा होता है और अगर सिक्योरिटी गार्ड सलाम करना भूल जाए, ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि वो उसको जो है अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान रखा करो। क्या कह रहे हैं वो, ठीक से देखें तो वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी है ना? तो ठीक से देखें क्या लगता है, उसको अपने जैसा मान रहे हैं या नहीं मान रहे? तो अपने जैसा तो नहीं मान रहे। तो नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस क्या है, वो जनरल प्रैक्टिस के बारे में ये क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन का कि जनरल प्रैक्टिस क्या है,
हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ सम्मानपूर्वक पेश आ पाते हैं, अपने स्वीपर्स के साथ, गार्ड्स के साथ, हाउसकीपर के साथ, सब्जी वाले के साथ, है ना, सभी लोगों के साथ सम्मान के भाव से जी पाते हैं, या हमारा जो सम्मान का क्राइटेरिया है, वो सम्मान का क्राइटेरिया जो है वो या तो वेल्थ है या पोजीशन है। हमारे अंदर वेल्थ को लेके, इसको लेके अगर प्री कंडीशनिंग है, कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि अगर मैं बोलूं बड़ा आदमी, अगर मैं बोलूं बड़ा आदमी, तो पहली बार आपके अंदर क्या इमेज बनती है बड़े आदमी की? क्या वो बिजनेसमैन की बनती है? क्या वो पैसे वाले की बनती है? क्या वो किसी सुपरस्टार की बनती है? क्या वो किसी पोजीशन वाले की बनती है? तो जो पहली इमेज आपके अंदर बनती है ना बड़े आदमी की, वही आपकी प्री कंडीशनिंग है। आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका चेक करने का ये है, आप ये देख सकते हैं कि आपके अगर परिवार में आप अगर 50 परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो 50 परिवारों में वेल्थ और पोजीशन के हिसाब से देखिए, आपसे ग्रेटर देन वाले कितने हैं, आपके इक्वल टू वाले कितने हैं, और आपसे लेस देन वाले कितने हैं। अगर आपसे लेस देन वाले परिवार ज्यादा हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी का रिस्पेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके किटी में, आपके बास्केट में, फैमिली रिलेशंस में अगर ग्रेटर देन वाले लोग ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वेल्थ के बेसिस का डिफरेंशिएशन है, पोस्ट के बेसिस का डिफरेंशिएशन है। इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? फिजिकल फैसिलिटी इक्वल टू हैप्पीनेस, जबकि रियलिटी क्या है? हैप्पीनेस इज बीइंग इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी, है ना, ये समझ सकते हैं। फिर बिलीफ के बेसिस पे भी कई बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इज्म के बेसिस पे, कि कैपिटलिज्म वाले लोग ज्यादा अच्छे हैं, कम्युनिज्म वाले लोग कम अच्छे हैं, है ना, सोशलिज्म वाले लोग ज्यादा अच्छे हैं। तो ये हम इज्म के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन करते रहते हैं। फिर हम सेक्ट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन करते रहते हैं। अगर हमारे सेक्ट के लोग एक तो हम अपने सेक्ट के लोगों को ज्यादा समझदार मानते रहते हैं, और दूसरे के सेट के लोगों को कम मानते रहते हैं। तो सेट के बेसिस पे भी कई बार डिफरेंशिएशन होता है। फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन होता है, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये बेसिकली मॉडर्न एज में ये ज्यादा दिखाई देता है। कुछ बच्चे हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, विकीपीडिया से, यूट्यूब से, मैगजीन से, स्कूलों से। तो अपने माँ बाप को वो कम मानने लग जाते हैं कि माँ बाप तो, है ना, गाँव की लोकल भाषा बोलते हैं, हम तो हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, और हम फॉरेन लैंग्वेज भी जानते हैं, हम कंप्यूटर भी चलाना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप से अपने को ज्यादा समझदार मान लेते हैं। तो ये बात ठीक से देख सकते हैं कि हम क्या सभी को स्वीकार पाते हैं, या कहीं ना जिसका बिलीफ सिस्टम मेरे बिलीफ सिस्टम से मैच करता है, हम उसी को ठीक से स्वीकार पाते हैं। इस बात को भी ठीक से एक्सप्लोर किया जाए कि अब दूसरे बिलीफ के लोगों को भी जनरली स्वीकार पाते हैं, अपने जैसा देख पाते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता ही है कि हम जनरली डिफ्रेंसिएशन कर जाते हैं। इसको भी ठीक से चेक करना चाहिए। ये अपने लिए देखा जाए, आप किन लोगों के साथ रिलेट कर पाते हैं। अगर कोई दूसरे इज्म को बिलोंग करता है, कोई दूसरे सेक्ट को बिलोंग करता है ना, उसके साथ ज्यादा जुड़ पाते हैं या सभी के साथ ज्यादा जुड़ पाते हैं, इस बात को भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो लगभग लगभग लोग कह रहे हैं दोनों तरह से, कि जनरली सिमिलर ट्रीट करते हैं, जनरली डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर मेरी प्री कंडीशनिंग दूसरे की प्री कंडीशनिंग से मैच कर जाए, तो दूसरा मेरे जैसा है, जबकि रियलिटी क्या है? हर आदमी मेरे जैसा है। तो ठीक से देखें, बॉडी के बेसिस पे, फिजिकल, ये सारा का सारा जो डिफरेंशिएशन है, ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इन बेसिस पे जब हम डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट करने जाते हैं, तो कुछ लोगों का कर पाते हैं, कुछ का नहीं कर पाते। तो जिनका नहीं होता वो हर्ट होते हैं, वो परेशान होते हैं। जैसे अगर हमारा रिस्पेक्ट का बेसिस वेल्थ है, तो जिनके पास वेल्थ नहीं है उनका सम्मान होना ही नहीं होना। अगर हमारा रिस्पेक्ट का बेसिस पोजीशन है, पोस्ट है, तो जिनके पास पोस्ट नहीं है उनका सम्मान होना ही नहीं होना। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है इन दी नेम ऑफ रिस्पेक्ट, ये हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। और इन सब के अगेंस्ट जो है आज एक मूवमेंट चल रहा है, जनरेशन गैप का मूवमेंट चल रहा है, जेंडर एम्पावरमेंट का मूवमेंट चल रहा है, बलवान और निर्बल के बीच में आंदोलन चलता ही रहता है, पैसे वालों के बीच में और जिनके पास धनहीन है उनके बीच में, पोस्ट वालों के बीच में, दो इजम्स में भी, है ना, आपस में टकराव चलता रहता है, सेक्ट्स में भी चलता रहता है, क्योंकि ये सभी हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ठीक से देखने जाए तो बेसिकली क्या, ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन जो है ये हमारी प्री कंडीशनिंग है ना, ये प्री कंडीशनिंग है, और इनके बेसिस पे हमारा बिहेवियर होता रहता है। तो
तो या तो हम दुखी होते रहते हैं या दूसरा दुखी होता रहता है। अब करना क्या है, इसको समझ सकें, ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है इसको समझ सकें, सेल्फ को समझ सकें, तो हमें ये दिखाई देगा कि मेरा पर्पस दूसरे का पर्पस, मेरा प्रोग्राम पोटेंशियल दूसरे का प्रोग्राम पोटेंशियल, हम दोनों का पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल एक ही है, तो दूसरा मेरे जैसा ही, हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो लास्ट बात इसमें है कि अगर हमें ये दिखता है कि मेरा पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल और दूसरे का पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल एक है, तो जो कॉम्पिटेंस का डिफरेंस है, अगर मेरी कॉम्पिटेंस ज़्यादा है या दूसरे की कॉम्पिटेंस ज़्यादा है, तो हम दोनों की कॉम्पिटेंस का म्यूचुअल इवेल्युएशन करके कॉम्प्लीमेंटेरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करते। तो दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो मुझसे ज़्यादा समझदार है या वो मुझसे कम समझदार है। तो अगर दूसरे मुझसे ज़्यादा समझदार है तो कैसे पता लगेगा, तो दूसरा मुझसे ज़्यादा समझदार है इसका मतलब यह है कि दूसरा ज़्यादा जिम्मेदार भी होगा। तो अगर दूसरा ज़्यादा समझदार जिम्मेदार है, देन आई बिकम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी अदर, तो मैं दूसरे से समझने को तैयार हो जाता हूँ भले ही वो मेरे से छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो कैसे पता लगेगा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो अगर 10 बार रिएक्शन हो रहा है, कितनी बार मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ उसको ठीक करने के लिए, तो अगर मैं ज़्यादा बार इनिशिएटिव ले रहा हूँ इसका मतलब मैं ज़्यादा समझदार हूँ। तो अगर मैं ज़्यादा समझदार हूँ तो मैं दूसरे को समझाने में हेल्प करता हूँ, सीधा सीधा समझाने लग जाता हूँ, या पहले जिम्मेदारी से जीता हूँ और जब दूसरा मेरे बिहेवियर से, मेरे जीने से एश्योर्ड हो जाए, फिर हम उसको समझने में सहयोग करता हूँ। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जो है मैं ज़्यादा समझदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीता रहता हूँ और उसके बिहेवियर में गलतियों से मैं प्रभावित नहीं होता, अनपरटर्ब्ड अनकंडीशनली जीता रहता हूँ, अनपरटर्ब्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर, एंड देन आई एम कमिटेड टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग इन द अदर वंस द अदर इज एश्योर्ड इन रिलेशनशिप एंड नॉट बिफोर दैट। ठीक है, तो इतना जो है ये तो मिनिमम कंटेंट है पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल। कॉम्पिटेंस का म्यूचुअल इवेल्युएशन जो है ये कंप्लीट कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट का, इसमें मैं ये निष्कर्ष निकाल पाता हूँ कि दूसरा मेरे जैसा है, द अदर इज सिमिलर टू मी एंड वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, इतना मैं देख पाता हूँ। तो हस्बैंड वाइफ आपस में कोई एक ज्यादा है तो दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को देख पाते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को देख पाते हैं, बच्चे दादा दादी के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को देख पाते हैं, अगर इवेल्यूएशन का बेसिस सेल्फ होता है तो। तो ये समझ में आता है कि जो 100% है ये इंटेंशन 100% है सभी का, पोटेंशियल प्रोग्राम ये सभी का 100% है। जो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, बेसिकली सारा जो लैक है, सारा जो डिफरेंस है, वो तो कॉम्पिटेंस का है, किस आदमी ने कितने अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर लिया है, ये उस आदमी का कॉम्पिटेंस है। तो 4 लोगों का कॉम्पिटेंस अलग अलग हो सकता है ना। तो ये समझ में आता है, अगर मुझे इंटेंशन की क्लैरिटी हो जाए, पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल की क्लैरिटी हो जाए, तो मेरे अंदर एक फीलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटीनेस कॉम्प्लीमेंट्रीनेस ये तैयार हो जाती है, तो फिर रिलेशनशिप की बाकी फीलिंग्स को समझने का काम हो सकता है। तो अगर ठीक से देखें तो रिस्पेक्ट को समझने जाएं तो रिस्पेक्ट का मतलब है राइट इवेल्युएशन विद ए फीलिंग ऑफ ट्रस्ट ऑन इंटेंशन ओवर अंडर अदरवाइज इवेल्युएशन इज डिसरिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन इज डिसरिस्पेक्ट। और जो रिस्पेक्ट है उसका बेसिस सेल्फ होगा, और सेल्फ में ये समझ में आता है कि दूसरा मेरे जैसा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस प्रोग्राम एंड पोटेंशियल एंड वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, दी ओनली डिफरेंस इज इन आवर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच ऑफ आवर डिजायर थॉट एंड एक्सपेक्टेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो दोनों दो लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो कॉम्पिटेंस का डिफरेंस है, जिस आदमी ने जितना ज़्यादा अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर किया होता है उसका कॉम्पिटेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसका अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे ध्यान नहीं गया उसका कॉम्पिटेंस कम हो जाता है। फुलफिलिंग द रिलेशनशिप फ्रॉम माई साइड्स लीडिंग टू हैप्पीनेस विद इन मी, तो जब अगर दूसरा मुझसे ज़्यादा समझदार है तो मैं दूसरे से समझने को तैयार हो जाऊंगा, अगर मैं ज़्यादा समझदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ अनकंडीशनली अनपरटर्ब्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीता हूँ, और फिर उसके बाद दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग को भी फैसिलिटेट करने को मैं तैयार हो जाता हूँ। और कब तैयार होता हूँ, जब वो दूसरा मेरे जीने से एश्योर्ड हो जाता है, उससे पहले नहीं। तो अभी सेशन खत्म होते ही हम अपने परिवार को समझाने लग जाएंगे, या फिर पहले इन सारी बातों को अपने अंदर और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, अपने अंदर ठीक से पचाने का काम करेंगे, एसिमिलेशन का काम करेंगे, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीने का काम करेंगे,
जब हमारे परिवार के लोग जीने में अश्योर्ड हो जाते हैं, तब हम उनके साथ इस अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा अभी सेशन क्लोज करके हम नहीं समझा लें, क्योंकि फिर वो सुनेंगे नहीं, या फिर उनकी हो सकता है अभी सुनने की तैयारी ना हो, है ना। तो ये ट्रस्ट के साथ और रिस्पेक्ट के बारे में इतनी बात कहनी थी।